24 घंटे ड्यूटी करांगे इतना बाइस तौर से रोजी खा सकने हैं, वरना असी कुत्ते दी मौत मर जाएंगे। जो तो इमरान खान सी तो उस टाइम कहते सन 118 रुपये हो गया, गरीब आवाम किधरू खासी कैसे गुजारा करती, हूँ 290 रुपये हो गया, 290 रुपया पूछने वाला ही कोई नहीं। वो ही जो कल इमरान खान के खिलाफ गला करते अब जवाब दे वरना इतनी चीज़ें महंगी हो गई ने हूँ आवाम कितने गई। उस टाइम जो तो इमरान खान ने इतनी सस्ताई रखी हुई थी उस टाइम तो हमें एहसास नहीं होया, तो हूँ इतनी महंगाई करके तो हूँ तुम बिलों छुपे हुए हो तो बिलों चू कट के मारांगे। ये हूँ श्रीलंका वाला काम होने वाला है, आवाम जी है ना इस टाइम पागल हो चुकी है। हमारे लिए रिलीफ दें, हम सस्ती चीज़ें करें, पेट्रोल सस्ता करें, ये महंगा करें, सस्ता करें ना महंगा भी करें, रिलीफ तब मिलेगा। खुद साहब परेशान है, हर बंदा परेशान, क्योंकि रात को लोग सोए थे, सुबह पता चले कि 10 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। सस्ती तो तब होगी कि पेट्रोल सस्ता होगा। कमर तोड़ दी है महंगाई ने, इतनी महंगाई हो गई है गरीब बंदा ये सूट खरीद ही नहीं सकता। देखो इतना माल लेकर आए वैसे के वैसा पड़ा, इतना महंगाई हो गई है भाई, कुछ खा पी नहीं सकता गरीब बंदा, फ्रूट नहीं लेके खा सकता रमजान में, ठीक है क्या कह सकते हैं महंगाई के बारे में। हुक्मरान तो बैठे हैं बड़े मजे से अपनी कुर्सियों पे चेयरों पे हैं, हम गरीब बंदे कहाँ जाएं, किसी के भी बर्दाश्त में नहीं है महंगाई। मैं इधर कुछ बोलूंगा तो क्या रात तक मैं भी नहीं रहूँ, मैं भी मुझे भी जेल में डालेगा। आवाम का तो यही हालात है, तो आवाम रिज़्क के लिए तरस रहे हैं। आज दिन आप देख रहे हैं कि लोग बेचारे खुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, क्यों मजलीफ मिले तो ये लोग ऐसे करें। ये इधर 10 मिनट मेरे आप 5 इधर बैठे मांगने वाले आप देखेंगे तो आराम रह जाएंगे, और ठीक ठाक पोजीशन वाले आदमी, ये हाल है हमारा जी। जिन साल में जो मुझे चीज़ लेके आ रहा था ना उससे दुगना रेट हो गया, डबल हो गया रेट, नहीं तो मैं जा रहा है कि और ईद तो बाद और भी महंगाई बढ़ रहा है ना, तो रिक्वेस्ट है कि आवाम के ऊपर रहम करे। गरीब आदमी क्या करेगा जिसकी 40,000 रुपये तक सैलरी है, वो 40,000 रुपये में बच्चे पालेगा, स्कूल के पे फीस देगा बच्चों की, अगर मकान उसका किराए पे है वो कैसे करेगा बेचारा, बहुत मुश्किल होगी गरीब आदमी की जिंदगी। तस्वीरें खेल के आवाम को बदनाम कर रहे हैं, ये खैरात लोगों को दे रहे हैं, इनको चाहिए कि बिजली गैस और ये पेट्रोल के पैसे कम करे, आवाम अपने मेहनत से कमा के खा सकती है, उनको फकीर ना बनाओ। सुबह से बैठे हुए अभी तक खाली वापस घर जा रहे, कारोबार है ही नहीं है, महंगाई मजीद हो गई तो मजीद लोग खुद खुशियाँ करेंगे। महंगाई बढ़ रहे हैं, केपीके में हालात कुछ बेहतर हुए, उधर इधर कोई नहीं, महंगाई इतना महंगाई है ना गरीब बंदा का बिल्कुल कुछ नहीं होता, ये और मेरे खुद इतना गरीबी है ना, मैं एक आटा नहीं लेना मजबूरी की वजह से, पेट्रोल भी महंगा करने पैर, हर कुछ चीज भी महंगा, एक पेट्रोल नहीं है, सारा गरीब लोग तबाह बर्बाद हो, हर चीज महंगा है, आटा से लेकर के लोग रमजान महीना में लोग भूखा है, ये अल्लाह का गजब तुम्हारा ऊपर डाल देगा। पंच गया जो 3,000 गैस बिल आता है वो अभी 40,000 आता है। फार्म 47 की पैदावार आई है, जो महंगाई कम करने आई थी, अब मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का बेड़ा और गर्क करेंगे, और बेचारे खुद मांग रहे एक दूसरे से, भिखारी की औलाद आई है शुभा श्री। मरिया नवाज तो कह रही है मैंने सस्ता आटा, सस्ता बाजार, बहुत कुछ दे दिया, सस्ता मोटरसाइकिल, उस बेचारे के लिए सिर्फ 3 अरब का एक हेलीकॉप्टर बाहर से मंगवाए अपने लिए, और एक टायर 3 दिन करोड़ रुपए का मंगवा रही है, गाड़ी का एक एक टायर सर्जरियाँ करवाती है, बाहर जाके सर्जरियाँ कराएंगे अरब अरब करोड़ों करोड़ रुपए। नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज खुले मैदान में सिर्फ आसमान की तरफ देखें, खुदा की तरफ, अगर इनको खौफ है खुदा का तो ठीक है ना, हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, अवाम जिस तरह पिस रही है ना, तो अल्लाह ही है कि इनके हमारी हिफाजत करे, नहीं तो ये तो तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर हमें मारना ही है तो कोई पानी में जहर मिला के यार पिला दो, हम सब मार जाए, हमारी सारी जायदादें ले लो, हमारा सारा कारोबार भी आप ले लो, अगर आप है हो तो उन तक ये मैसेज पहुँचा देना कि 3 बच्चे हैं आपके, 3 बच्चों के लिए पूरे मुल्क के बच्चों को खाई जा रहे हो यार, खून चूस रहे हो बच्चों का, देखो कुछ खुदा का खौफ करो यार।